वेल दोस्तों, जैस्मीन भसीन की गद्दारी एक बार फिर पकड़ी जाएगी। जैस्मीन भसीन ने एक बार फिर अपने गेम प्लान को बदल दिया है। जैस्मीन भसीन की क्या है नई स्ट्रेटेजी रूबीना को लेकर, आइए हम आपको बताते हैं आज के स्पेशल रिपोर्ट में। यही बात पूरे विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी दर्शकों को बताते हैं कि जैस्मीन भसीन की नई स्ट्रेटेजी आखिर है क्या। सबसे पहले हम आप सभी दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि जैस्मीन भसीन की जिस तरह से क्लास लगाई गई थी बीते वीकेंड के बारे में सलमान खान की तरफ से, और स्पेशल पैनल में जो जितने भी लोग आए थे उन लोगों ने भी पूरी तरह से बैंड बजाया जैस्मीन भसीन को, और साथ ही साथ जैस्मीन भसीन को अब भी ऐसा लग रहा है कि वो सबसे आगे है, सबसे महान है और वो काफ़ी अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इसके बाद जो है एली गोनी बिग बॉस सीजन 14 के घर में जाते जाते एक सलाह देंगे जैस्मीन भसीन को। क्या है वो सलाह, आइए हम आपको बताते हैं, और इसके तहत जैस्मीन भसीन की स्ट्रेटेजी किस तरह से बदलेगी, आइए हम आपको ये भी बात बताते हैं। सबसे पहले हम आप सभी दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि जैस्मीन भसीन और रूबीना दिलैक के बीच में जब दोस्ती चल रही थी तब सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, ना ही जैस्मीन भसीन को कोई डांट रहा था, ना ही कोई गेस्ट जो आते थे वो जैस्मीन भसीन को कुछ कह रहे थे, और साथ ही साथ ना ही किसी तरह का कोई भी दिक्कत वाली बात थी जैस्मीन भसीन को लेकर। हाँ, रूबीना दिलैक के गेम को उठाने के लिए थोड़ा बहुत जो है वो डांट पड़ जाती थी रूबीना दिलैक को सलमान खान की तरफ से, लेकिन जब से रूबीना और जैस्मीन भसीन के बीच में लड़ाई हुई है तब रूबीना के पूरी तरह से जो खिलाफ हो चुके हैं पूरे देश की जनता, सलमान खान खुद और साथ ही साथ शो के मेकर्स भी, और साथ ही साथ जैस्मीन भसीन, अब जैस्मीन भसीन की जो बत्ती है अभी भी नहीं जलने लगेगी। इसके बाद जो है एली गोनी आउट हो जाएंगे आज रात के एपिसोड में, लेकिन आउट होने से पहले जैस्मीन भसीन को एक बहुत बड़ी सलाह देंगे। जैस्मीन भसीन से ये कहेंगे कि रूबीना से दोस्ती कर ले। जी हाँ दोस्तों, रूबीना से दोस्ती कर ले, रूबीना से दोस्ती करेगी तभी तू बिग बॉस सीजन 14 के फाइनलिस्ट बनेगी, तभी तेरे हाथ में ट्रॉफी होगी। और साथ ही साथ अब जो है जैस्मीन भसीन की जो स्ट्रेटेजी है पूरी तरह से बदलने वाली है। एली गोनी ने जो कहा था उसका सम्मान रखेगी क्योंकि वो उनके बॉयफ्रेंड है। अब जैस्मीन भसीन अब पूरी तरह से स्ट्रेटेजी बदल देगी और साथ ही साथ रूबीना दिलैक का साथ देते हुए नजर आएगी, कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेगी। लेकिन रूबीना अब सब जानती है, देश की जनता अब पूरी तरह से जान चुकी है कि जैस्मीन भसीन का खेल आखिर है क्या। वेल दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज हमें अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। तब तक ले बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट।